हे क्लैशर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल कुशाग्र दुबे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में आप देखोगे बेस्ट अटैक ऑफ CWL टाउन हॉल 15 पर। तो ये बेस्ट अटैक होने वाला, आई होप आपको पसंद आएगा और ये अटैक देखकर आप ज़रूर सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो TH15 का बेस्ट अटैक कॉम्बो है ये। लेट्स सी, ड्रैगन राइडर, ड्रैगन, बेबी ड्रैगन और यहाँ पे लून आर्चर्स का कॉम्बो रखना है आपको, विथ हेल एंटर आपको हीरो टेक डाउन करने के लिए। और आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सुपर आर्चर ब्लिम। तो पहले आपको एक लावा ड्रॉप करना है, देन ब्लिम ड्रॉप करना है और आपके ब्लिम में होना चाहिए सुपर आर्चर। 3 से 4 होने चाहिए। आप इसके साथ विजार्ड भी ले सकते हो, सुपर विजार्ड एंड सुपर आर्चर। तो अगर आप यहाँ 3 सुपर आर्चर और 1 विजार्ड का कॉम्बो लेते हैं वो भी बेस्ट है, और अगर आप 4 सुपर आर्चर ही लेते हैं तो वो भी बेस्ट है। लेकिन आपको फुल सुपर विजार्ड नहीं लेना, ठीक है? वो ब्लिजार्ड अटैक हो जाएगा, लेकिन ये सुपर ब्लिंप अटैक है, सुपर आर्चर विद ब्लिंप। तो यहाँ पे आप देख लो क्या ही वैल्यू आ गई इस बेस पे। पूरा ख़त्म बेस है यहाँ पर, सीन हो रहा है। और अब यहाँ से मेन काम होने वाला है आपको फनल बनाना है। वैल्यू निकलते ही आपको फनल बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है फनल आफ्टर वैल्यू। तो फनल के लिए हम हीरो यूज़ करेंगे। पहले किंग को ड्रॉप करना है, देन क्वीन को ड्रॉप करना है, और आप किंग क्वीन के साइड में आरसी भी ड्रॉप कर सकते हो फॉर मोर डिफेंस। तीनों हीरो साथ में रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आरसी पीछे से सारा डिफेंस को कवर अप करता है और किंग फनल बनाता है, क्वीन भी यहाँ पर धीरे धीरे फनल करती है। बाकी ड्रैगन एंड ड्रैगन राइडर आपकी वार्डन एबिलिटी के अंदर होने चाहिए, ठीक है? जो वार्डन सर्कल होता है, तो वार्डन सर्कल के अंदर जब आपका ड्रैगन एंड ड्रैगन राइडर रहेगा, तो जब भी आपका ड्रैगन राइडर मुसीबत में हो तो आप यहाँ पे एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। याद रहे, आपका ड्रैगन राइडर सेफ होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर किल हो गया तो आपका डिफेंस नहीं क्लियर हो पाएगा, और डिफेंस क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर वैल्यू भी। ऐसा नहीं कि अगर आपने वैल्यू निकाल लिया तो आपको यहाँ पर पूरा चांस है कि आप 3 स्टार निकाल लोगे। तो एबिलिटी के अंदर होना चाहिए। तो देखो भाई, ये अटैक ख़त्म हो गया। CWL का बेस्ट अटैक कॉम्बो ये है टाउन हॉल 15 पर। टाउन हॉल 15 का बेस्ट अटैक कॉम्बो है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो इसे यूज़ करो। कब यूज़ करोगे भाई? अभी नहीं किया तो कब किया? नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं। आर्मी देख लो आप। तो नेक्स्ट अटैक का बेस लेआउट देख लो। ये किसी भी बेस, कोई भी बेस टाइप हो, रिंग बेस हो, क्लोज बेस हो, कॉम्पैक्ट बेस हो, या फिर ऐसे ही ओपन चेन बेस हो, हर बेस पे यूज़ करता है। तो इसमें हम ब्लिम विथ वार्डन एबिलिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी दूर है TH और हमें वैल्यू चाहिए मोनोलिथ के साथ। टाउन हॉल भी सुपर मिनियन डोनेट किया हुआ है। CC में कोई फ़ायदा नहीं है सुपर मिनियन देने से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रो टाइटन और आप IG देते हैं तभी कोई फ़ायदा होता है, नहीं तो कोई भी ट्रूप आप डोनेट कर दो CC में, भाई इस आर्मी को रोकना अनस्टॉपेबल है। दिस इज़ अनस्टॉपेबल आर्मी। वैल्यू चेक करो आप यहाँ पे। तो भाई ब्लिम्प और वार्डन के एबिलिटी में हमने ब्लिम को दिया, क्योंकि दूर TH था इसीलिए ऐसा हुआ। पास TH रहता तो हम सिर्फ लाबा और ब्लिम करते, लेकिन यहाँ पे हमने ब्लिम्प में यूज़ किया है एबिलिटी वार्डन। और वैल्यू देख लो, स्टिल भाई अभी भी सर्वाइव कर रही है सुपर आर्चर। क्या बात है भाई, सुपर आर्चर अभी भी सर्वाइव कर रही है। कितना स्ट्रॉन्ग आर्मी है आप देख लो। अगर आपने CWL में TH15 से ये अटैक नहीं ट्राई किया है तो भाई ज़रूर करना, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा लेट है ये अटैक स्ट्रैटेजी, क्योंकि CWL एंड हो गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट CWL में इसको ट्राई करना। मैं तो कह रहा हूँ हर CWL में ट्राई करो। तो इस बार RC हमने इस साइड से दिया है, और RC पे आपको डिगी लगा के रखना है टाउन हॉल 15 पे। डिगी जो है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है RC के साथ, क्योंकि RC डिफेंस क्लियर करता है और डिगी उसको फ्रीज करता है फॉर ए वाइल, 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिगी यूज़ किया करो RC के साथ। यूनिकॉर्न यूज़ करना है आपको यहाँ पे आर्चर क्वीन के साथ, एंड याक आपको यूज़ करना है किंग के साथ फॉर वॉल ब्रेक, ठीक है? याक का काम यही है भाई, वॉल तोड़ अंदर घुस। तो यहाँ पे ड्रैगन राइडर एंड ड्रैगन फिर से एक साथ, क्वीन उसके पीछे, किंग हमारा डाई हो चुका है फनल बनाते बनाते। लेकिन इस बेस में अब कुछ नहीं बचा है, क्लियर है? तो अटैक एंजॉय करो भाई, और अटैक आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखो भाई, सब ख़त्म, कितने सारे ड्रैगन यहाँ पे बचे हुए हैं और ड्रैगन राइडर भी बचा हुआ है। इसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ टाउन हॉल 15। इसलिए मैं कहता हूँ भाई,
यूज़ करो तो यही यूज़ करो टाउन हॉल 15 पे। तो हर एक टाइप के बेस पे अटैक किया है, हर एक बेस पर अटैक दिखाएंगे, ठीक है। पहले हमने दिखाया क्लोज बेस था, ये थोड़ा दिखाया लॉन्ग चेन बेस था। नेक्स्ट बेस देखते हैं कौन सा बेस है, उस पर अटैक करेंगे। और हर एक टाइप पे ये यूज़फुल आर्मी, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ क्लोज बेस, रिंग बेस, कॉम्पैक्ट बेस इस पर ही यूज़ होता है, ये हर इस बेस पे भाई यूज़फुल है। तो थर्ड बेस देख लो कैसा बेस है, आपको क्या लगता है ये कैसा बेस है, कितना भाई दूर दूर सारे डिफेंसेस रखे हुए हैं, वैल्यू कैसे मिलेगी, सही पकड़ रहे हैं आप, वैल्यू कैसे मिलेगी। तो अगर इस टाइप के बेस पे आपको दिक्कत हो रहा है कि भाई इस पे वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको साथ में स्पैम करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल सकती है ईगल की तरफ से, अगर हम ब्लिम को ड्रॉप करेंगे और मोनोलिथ के पास करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। पहले लावा देते हैं ड्रैगन, फिर एबिलिटी वार्डन, एंड यहाँ पे ब्लिम डालते हैं और सीधा ले जाएंगे हम मोनोलिथ के पास अपना ब्लिम। तो अगर इस टाइप का बेस आपको मिलता है तो आप इस तरह अटैक करना, 100% सक्सेस होगा, जैसे ये मेरा अटैक सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे ब्लिम को दे दिया हमने एबिलिटी के अंदर, ब्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा, या स्वीपर से भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने बार पीछे ढकेलेगा ना वो तो आगे जाएगा ही। तो यहाँ छोटा सा दिक्कत हुआ था मुझे क्योंकि टोर्नेडो निकला था, तो टोर्नेडो जैसे निकले आप ब्लिम को फोड़ दो, क्योंकि अगर आप टोर्नेडो के अंदर फंस गए और आपने ब्लिम को नहीं फोड़ा तो टोर्नेडो नचा के आपको बाहर फेंक देगा और टाउन हॉल के पास नहीं जाने देगा। तो टोर्नेडो जैसे निकले ब्लिम फोड़ दो, बाकी जो आपका इनविजिबल है वो थोड़ा सा आप टाउन हॉल की तरफ डाला करो, एंड क्लोन स्पेल ऑल्सो साथ में, जिससे कि आपको फुल वैल्यू मिल सके टाउन हॉल के पास की। तो पूरा साफ कर दिया हमने बेस टाउन हॉल के पास, जितना भी डिफेंस था एवरीथिंग इज क्लियर भाई। तो ये अटैक क्यों बेस्ट है आप वीडियो में देखो एंड सीखो कि कोई भी टाइप का बेस हो, चाहे वो क्लोज हो, रिंग हो, एनी बेस, अगर आपको लावा के साथ वैल्यू नहीं मिली है कि लावा ड्रॉप करते हैं देन ब्लिम ड्रॉप करते हैं, तो आप इस तरह भी 3 स्टार निकाल सकते हो, जैसा कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा है भाई। हमने सीधा स्पैम कर दिया, बस आपको यहाँ डायरेक्शन चूज़ करना है कि किस डायरेक्शन से हमें ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है। तो डायरेक्शन चूज़ किया और वैल्यू निकल गई, भले ही हमारा यहाँ पे काफ़ी कम ट्रूप्स बचे हैं, लेकिन भाई 3 स्टार तो 3 स्टार है ना। क्वीन का एबिलिटी मार दिया है बिकॉज ऑफ टाइम, एंड तो बता सकते थे भाई स्वैग क्वीन कर सकते थे। 2 ड्रैगन स्टिल सर्वाइविंग एंड क्वीन भाई हेल्थ बहुत ही अच्छा है क्वीन का, 70% हेल्थ के साथ 3 स्टार एंड यूनिकॉर्न इज ऑल्सो सर्वाइविंग। आर्मी आप देखते रहो, एंड इस आर्मी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आर्मी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट बेस है कितना मैक्स बेस है, ये भी दूर है TH, वैल्यू चाहिए। वार्ड एंड लून एंड एबिलिटी में आपको ब्लिंप देना है, देखो यहाँ से क्या गेम होता है, पूरा बेस साफ हो जाएगा। यहाँ से टाउन हॉल के पास का हमें सब वैल्यू चाहिए, हमने इनविजिबल करेक्ट टाइम पे यूज़ करना है, ये नहीं कि आपको ब्लिंप पहले फोड़ देना है देन इनवी डालना है, पहले आपको इनविजिबल डालना है जिस जगह पे आपको ब्लिंप फोड़ना है, पहले इनविजिबल डालेंगे ब्लिंप फोड़ेंगे, एंड जैसे ही ब्लिम इनविजिबल का टाइम जो होता है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड मे भी जो होता होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो आप तुरंत एक और इनवी डाल के 2 क्लोन स्पेल साथ में डालेंगे और फिर लास्ट में आपको रेज डालना है, क्योंकि आपको रेज स्पेल लास्ट तक चाहिए होगा, ठीक है, कि हमारे लास्ट इनवी तक रेज स्पेल यूज़ हो। तो पहले आपको इनवी डालना है फिर ब्लिम फोड़ना है, देन उसके बाद आपको एक क्लोन स्पेल और, यानी 2 साथ में, 1 इनवी तुरंत, आपका इसमें भाई फास्ट वर्क होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रूप ख़त्म। जो भी आपकी CC रहती है, सुपर आर्चर यूज़ करो या फिर आप सुपर विजार्ड यूज़ करो, तो लास्ट अटैक में हमने सुपर विजार्ड यूज़ किया था, इसमें सिर्फ सुपर आर्चर यूज़ किया है क्योंकि इसमें हमें क्लोज वैल्यू चाहिए था। सुपर विजार्ड और सुपर आर्चर का कॉम्बो इसलिए यूज़ करते हैं भाई क्योंकि जब दूर दूर डिफेंस होता है तो उसमें सुपर विजार्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है, ठीक है। तो ये देखो ये बेस भी बिल्कुल ख़त्म है, यहाँ पे किंग और क्वीन और यहाँ पर RC आपको साथ में छोड़ना है, जिससे आपको फनल किंग दे और क्वीन पीछे से टेक डाउन करती रहे, RC डिफेंस टेक डाउन करे, तो तीनों हीरो आपको साथ में करना है, ठीक है, और एक साइड से आपको ड्रैगन एंड ड्रैगन राइडर। तो बिल्कुल ही इजी अटैक हो रहा है ये, यहाँ पे 3-3 स्टार हर टाइप के टाउन हॉल 15 बेस पे निकल रहा है, एंड ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है CWL का टाउन हॉल 15 पे। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा,
फुल अटैक यहाँ पर आपको देखने को मिला है। फुल ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया आपको कैसे अटैक करना है और आप कैसे 3 स्टार टेक डाउन कर सकते हैं किसी भी बेस पर। और भी अगर आपको अटैक अच्छा लगे और आपको अटैक के बारे में जानकारी रहे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि भाई मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इसके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।